जोहर ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर में आप सभी का स्वागत है। सरबिल एवं पदा पहाड़ के ग्रामीणों के लिए आ रही अच्छी खबर। सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री के प्रयास से रेलवे द्वारा सरबिल एवं पदा पहाड़ की ली गई जमीन का मुआवजा ग्रामीणों को मिलने की आस जगी। सांसद गीता कोड़ा ने कहा, रेलवे द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा ग्रामीणों को शीघ्र मिलेगा। अब खबर विस्तार से। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधुकर कोड़ा एवं सांसद श्रीमती गीता कोड़ा की उपस्थिति में जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन के द्वारा सरबिल एवं पदा पहाड़ के ग्रामीणों के द्वारा रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा का मांग पर भूमि का सत्यापन शुरू किया गया। ग्रामीणों की जमीन रेलवे के थर्ड लाइन निर्माण में रेलवे द्वारा अधिग्रहण किया गया था। ग्रामीण लंबे समय से जमीन के बदले मुआवजा का इंतजार कर रहे थे। सांसद गीता कोड़ा के प्रयास से ग्रामीणों में मुआवजा की भरोसा जगा। ज्ञातव्य हो कि मानसून सत्र के दरमियान केवल ग्रामीणों को रेलवे द्वारा मुआवजा दिलवाए जाने एवं भूमि के सत्यापन के लिए दिल्ली से आज ही लौटी है सांसद गीता कोड़ा। सांसद ग्रामीणों को मुआवजा भुगतान पर पिछले दिनों 12 जुलाई को जिला प्रशासन एवं रेलवे प्रशासन की संयुक्त बैठक कराई थी, जिसमें आज की तारीख को भूमि सत्यापन की बात रखी गई थी। आज से रेलवे प्रशासन एवं जिला प्रशासन के द्वारा भूमि सत्यापन कार्य शुरू किया। सभी रैयत अपने कागजातों के साथ सर्वे स्थल पर मौजूद थे। सांसद श्रीमती गीता कोड़ा ने सभी रैयतों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी रैयत के जमीन अधिग्रहण का सत्यापन होगा और अधिग्रहण की सत्यापन के उपरांत प्रावधानों के अनुरूप मुआवजा नौकरी आदि दिलाया जाएगा। रेलवे प्रशासन की ओर से चक्रधरपुर मंडल अभियंता मनीष गुप्ता और जिला प्रशासन की ओर से ADC संतोष सिन्हा, जिला भूमि अधिग्रहण पदाधिकारी एजाज अनवर, जगन्नाथपुर अनुमंडल पदाधिकारी शंकर एक्का, BDO नोवा मुंडी अनुज बांडो उपस्थित थे। सर्वे स्थल में सैकड़ों की संख्या में रैयत उपस्थित थे। मुख्य रूप से सरबिल मुंडा, दुसा लागुरी, बालमुचू, राजेंद्र बालमुचू, सुशीला बालमुचू, डूचा बालमुचू, लेश बालमुचू, सुखराम बालमुचू, शंकर बालमुचू, एंसो पुर्ति, लक्ष्मण बालमुचू, महाती बालमुचू, मंगल बालमुचू, सोनाराम बालमुचू, आनंद बालमुचू, मंजीत प्रधान, रघुनाथ राउत, मंजू पूर्ति, हरप्रीत सिंह, संजय घोष, वसंत गोप, दानिश हुसैन, ममूर अंसारी, राणा बोस, लाल मोहन दास, प्रदीप जगदीश खिलार, मोहम्मद सुब्रतो घोष, रेश प्रजापति, प्रफुल्ल दास, विश्वकर्मा दास एवं काफी संख्या में स्थानीय ग्रामीण रहे उपस्थित। आज सरबिल गांव में सरबिल स्टेशन के पास में जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन के संयुक्त रूप से जो रेलवे लाइन में लोगों की जो जमीन गई है, उन लोगों का जमीन के बदले जो मुआवजा की बात थी या नौकरी की बात थी, उसको लेकर के जो दावा लोगों ने पेश किया था, आज उसी दावा के तहत में जमीन को देखने के लिए, जमीन की वस्तु स्थिति को देखने के लिए और कागजात को देखने के लिए आज रेलवे प्रशासन जिला प्रशासन दोनों ने संयुक्त रूप से आज यहाँ आए हैं और सभी की जमीनों के जिनकी भी दावेदारी है उन सभी की जमीनों का निरीक्षण और भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। और ये विगत 12 तारीख को हम लोग गए थे रेलवे DRM के साथ में और उपायुक्त के साथ हमने संयुक्त रूप से बैठक किया। उसी के बाद आज की तारीख मुकर्रर की गई थी, 27 तारीख को आज का समय दिया गया था और इसी के तहत आज ये सर्वे चल रहा है। और ये सर्वे में जिन लोगों का भी आया है, हम लोग रेलवे प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए।